बिहार के गया में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े एसडीओ कार्यालय परिसर में घुसकर तैनात एक सुरक्षा गार्ड को छुरा मारकर मौत के घाट उतार दिया है। गार्ड को पेट में बाई ओर चाकू मारी गई। जब वह ड्यूटी कर रहा था तब वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी भाग निकलने में कामयाब हो गया। घटना आज लगभग 3 बजे दोपहर की है और मृतक की पहचान विष्णुपद थाना क्षेत्र अंतर्गत सूरजकुंड निवासी सुजीत कुमार के रूप में हुई है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल अस्पताल भेजा गया है। एसडीओ ऑफिस में एक गार्ड था, एसडीओ साहब के ऑफिस का देखभाल करता था, निरीक्षक जवान था सुजीत कुमार, उनको किसी ने चाकू मार दिया। फिर बाद में सूचना आई कि वो गर्मी से गिर गया है। हम लोग यहाँ आके विजिट किए तो देखे हैं कि 2000 रुपये ब्लड स्टेन है और बगल में जो आधार कार्ड का सेंटर है उसके उनके द्वारा बताया गया कि विक्षिप्त टाइप का आदमी, बाल बिखरा हुआ, पुराना कपड़ा पहना हुआ, ईपिक कार्ड बनाने के लिए, वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए खोजते फिर रहा था। ऐसा संदेह है कि उनके द्वारा ही उनके साथ घटना कायद की गई, लेकिन अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है कि उनकी हत्या कैसे हुई या उनकी मृत्यु कैसे हुई है। अभी हम लोग जाएंगे मेडिकल कॉलेज, देखते हैं क्या हुआ। ब्लड गिरा हुआ है, वही तो मैं बता रहा हूँ, जगह ब्लड स्टेन पाया गया है, लेकिन ब्लड कैसे गिरा है, किसने मारा, क्या मारा, सीसीटीवी का हम लोग देख रहे हैं फुटेज, अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं है। सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट नहीं हुआ, एसडीओ ऑफिस का सीसीटीवी फुटेज नहीं है। सीसीटीवी फुटेज खुला नहीं है अभी, टेक्नीशियन आ रहा है, सीसीटीवी आगे लगा हुआ है, उससे बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा। मारा गया है, गिरा है, रोकने के क्रम में मारा गया, क्यों मारा, क्या कारण, तो अलग बात, वो सब जांच, बाकी उसकी अभी चेहरे के बारे में स्पष्ट नहीं है, बाकी तो वो तो जांच का विषय है।